अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह हमारे वाइट के जोड़े ने आज 6 अंडे मुकम्मल कर लिए, तो शायद एक दो अंडा दे और बैठ जाए, वो भी आपको दिखाते हैं। और वाइट का जोड़ा चेक करते हैं, उसने बच्चे नहीं निकाले, 25 दिन हो चुके हैं, तो वो तकरीबन 20-19 दिन में बच्चे निकाल लेते हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो लेकिन उसने नहीं निकाले, 25 दिन हो गए, तो वो भी उसके अंडे भी चेक कर लेते हैं और आपको चेक करके दिखाएँगे भी कि किस तरह चेक करने हैं। और दूसरा, काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि परिंदों में बच्चों में ना सोकरे की मसला आ रहा है, सोकरा लग रहा है बच्चों को, तो उसका क्या इलाज करें, उसकी दवाई है वो भी आपको दिखाते हैं और मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि उसके क्या क्या और फ़ायदे हैं। आपने वीडियो को लाजमी देखना है, मुकम्मल वीडियो देखनी है, क्योंकि उस दवाई के जो आपको फ़ायदे बताऊँगा तो इंशाल्लाह वो आपके तीतरों के लिए बहुत मुफीद हैं, जो भी परिंदा है आपका उसके लिए बहुत मुफीद हैं। जो परिंदे खुराक कम खाते हैं तो वो खुराक भी उनकी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं, पानी भी ज़्यादा पीने लग जाते हैं, और बाकी भी उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो भी आपको मुकम्मल डिटेल के साथ और दवाई भी दिखाता हूँ कि कौन सी दवाई है। तो आपने वीडियो को लाजमी देखना है, मुकम्मल वीडियो देखनी है। वाइट जोड़ा देखते हैं, और तो ये हमारा वाइट का जोड़ा आ गया, ये कितने अंडे हो चुके हैं माशाल्लाह। जोड़ा इस दफ़ा बिल्कुल सही ब्रीड कर रहा है, पिछली दफ़ा तो थोड़ा मसला किया था, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत ही अपना अंडे भी एक जगह पर दे रहा है, और इंशाल्लाह ये कल परसों तक बैठ जाएगी। इसके अंडे चेक कर लेते हैं कि कितने हो गए, ये नर फिर डरेगा, लेकिन मजबूरी है, अंडे चेक करने तो पड़ेंगे। तो दोस्तों अंडे चेक करते हैं इसके, देखें फिर दोस्तों इसके अंडे हो गए हैं, ये 6 अंडे इसने मुकम्मल कर लिए हैं माशाल्लाह। ये देखें तरतीब के साथ इसने अंडे दिए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3 अंडे और देगी और बैठ जाएगी। सुबह से बैठ रही है, तो देखते हैं कल का अंडा देती है या बैठ जाती है, चेक कर लेंगे। तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह 2-3 अंडे ज़रूर देगी। तो ये हमारा वाइट का जोड़ा आ गया, अब आपको वाइट का जोड़ा वो दिखाते हैं जो अंडों पर मादी बैठी थी और उसने बच्चे नहीं निकाले, मेरे ख्याल में अंडे उसके ख़राब हो गए हैं। चलो चेक कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा वाइट का जोड़ा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जोड़ा है, फुल वाइट है। तो ये देखें आज मादी उठी हुई है अंडों पर से, मेरे ख्याल में इसके अंडे ख़राब हो चुके हैं। चलो अंडे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बाकी काले इसके अंडे चेक कर लिए थे, वो तो ख़राब थे, 3 अंडे कुछ लग रहे थे कि शायद सही हो, वो अभी चेक करते हैं। तो माशाल्लाह ये जोड़ा देखें, बहुत ही प्यारा जोड़ा है, खूबसूरत जोड़ा है, कादावर और बेहतरीन जोड़ा है, काटन वाइट में है। तो इसके ये इसका घोंसला बनाया था माशाल्लाह, घोंसला तो इसको पसंद आया। ये देखें 4 अंडे पड़े हैं, 4। तो ये चेक कर लेते हैं, ये लेते हैं उठा, और तो ये भी चेक कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो एक जोड़ा ईरानी का खड़ा है, उसके साथ जो बच्चे खड़े थे वो देखते हैं कि उसने कितने अंडे दे दिए हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। बाकी तो माशाल्लाह रूटीन के साथ चल रहे हैं। ये देखते हैं, ये माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह इसने 4 अंडे दे दिए हैं, तो इसके माशाल्लाह आज हो गए हैं 4 अंडे। ये फ्रेंड चेक करें, एक तो ये पारा वगैरह होते हैं तो एक आधे पर पारा आ जाता है, पता नहीं चलता। ये देखिए 4 अंडे इसके हो चुके हैं माशाल्लाह, बच्चे इसके साथ खड़े हैं, बाकी इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये बच्चे भी अलग-अलग कर लेते हैं, अपना अंडे चेक करते हैं, फिर आपको वो दवाई भी बताता हूँ कि कौन सी दवाई छोकरे के लिए इस्तेमाल करनी है, वो भी आपको बताता हूँ, और अंडे भी साथ चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अंडे चेक कर लेते हैं, आपने इस तरह करना है कि ये इस तरह की लाइट लेनी है, मोबाइल की लाइट पर भी चेक कर सकते हैं, अगर इस तरह की लाइट है तो उस पर भी चेक कर सकते हैं। ये आपने देखना है अंडा, अगर अंडा अंदर से ब्लैक है, एक साइड बची हुई है और बाकी ब्लैक है, थोड़ी सी साइड बची हुई है, तो ये और आपको हरकत भी नज़र आएगी बच्चे की अंदर से, क्योंकि हरकत करता हुआ आपको महसूस होगा, क्योंकि जब आप लाइट पर लगाएंगे तो बच्चा हरकत करता हुआ आपको नज़र आएगा, देख सकते हैं आप लाइट के साथ। और अगर अंडा ख़राब हुआ तो मुकम्मल तौर पर पीला होगा और इसकी एक साइड भी खाली नहीं होगी, मुकम्मल पीला हो चुका होगा अंदर से। तो ये तो बिल्कुल ख़राब है दोस्तों, ये देखें इसकी मुकम्मल तौर पर ये आ रही हैं लहरें वगैरह,
ये खाली खाली जगह, तो ये हो गया खराब। और ये चेक करते हैं, ये भी इसमें बच्चा है, इस अंडे में बच्चा है। ये देखें ब्लैक नजर आ रहा है लेकिन हरकत नहीं कर रहा, पता नहीं मर गया या क्यों, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। तो चलो इसको मशीन में रख लेते हैं। मादी एक अंडे की वजह से अब मादी तो नहीं बिठा सकते, और ये दूसरा अंडा चेक कर लेते हैं। ये अंडा खराब है, ये मुकम्मल तौर पर खाली है अंदर से। ये भी अंडा मुकम्मल तौर पर खाली है अंदर से, इसकी लहरें वगैरह नज़र आ रही हैं बिल्कुल, तो ये भी खाली है। एक ही अंडा सही है दोस्तों, और ये भी मुझे सही लग नहीं रहा। अगर बच्चा होता तो वो हरकत करता नज़र आता, लेकिन इसमें बच्चा है मेरे ख्याल में, लेकिन ये मर गया है क्योंकि हरकत नहीं कर रहा, बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। चलो तो ये दोस्तों आगे अंडे जो चेक हो गए, अब आपको दिखाते हैं कि सोकड़े के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करें, वो आपको चेक कराते हैं। तो वो ये दवाई है बायो केयर, इसका नाम है। ये इंग्लिश में भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें बायो केयर। परिंदों के साथ साथ जानवरों में भी इस्तेमाल होती है, गाय भैंस बकरी वगैरह में। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी दवाई है, इसका इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह आपके तीतरों को सोकड़ा वगैरह जो जिस किस्म का भी कोई मसला होगा तो ख़त्म हो जाएगा। सबसे बेहतर ये आजकल परिंदों में जो जिगर का मसला बन रहा है, मैदे और जिगर का मसला, लोग काफ़ी बताते हैं कि यार परिंदों में बुखार वगैरह हो रहा है, तो ये बुखार नहीं हो रहा, ये जिगर और मैदे का मसला बनता है जिससे बच्चे मर जाते हैं। तो ये दवाई जिगर और मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है, उसके लिए भी इस्तेमाल कराएं। ये हिफाजती तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अगर परिंदा आपके पास है तो वो इस्तेमाल, ये गर्मियों में ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगर आपके पास वो थोड़े हैं परिंदे, दो तीन परिंदे हैं, तो ये कतरों के हिसाब से एक परिंदे के तीन चार कतरे एक परिंदे के पानी में डालकर उसको दे दें। अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो 1 लीटर पानी में इसके 5 मिलीलीटर, अपना 5 मिलीलीटर इसके डालने हैं, ताज़ा पानी हो तो वो भी सारे परिंदों को आप पिला सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी दवाई है, ये इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। दूसरा, ये आपके परिंदों का जो है ना वजन ग्रोथ है वो भी बढ़ाएगी, और दूसरा जिन परिंदों के पर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं या गिर जाते हैं तो दोबारा नहीं निकल रहे होते, तो उनके लिए भी बहुत मुफीद है ये। अच्छी तरह अपना दोबारा पार भी निकालना शुरू कर देते हैं परिंदे, और बहुत ही चमकीले पार निकलते हैं, बहुत ही खूबसूरत परिंदा लगने लग जाता है इस दवाई के इस्तेमाल से। सोकड़ा जो भी जिस किस्म की भी कोई मसला होगा आपके परिंदे में, मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म हो जाएगा। सोकड़े के लिए ये बहुत मुफीद दवाई है, तो ये लाजमी इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।